नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। आज 24 जुलाई को बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार 1820 नए पॉजिटिव मामले पूरे बिहार से सामने आए हैं। यह पहली बार है जब बिहार में मामला 1800 से ज़्यादा का आया हो एक दिन में। इस तरह इन नए मामलों के साथ बिहार में आंकड़ा 33,511 का हो चला है कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों का। लेकिन एक ऐसी भी खबर है जो अच्छी खबर कही जा सकती है, वो खबर है 1820 मरीजों के मिलने से ज़्यादा संख्या में आज पिछले 24 घंटे में मरीजों के रिकवर होने का। यानी पिछले 24 घंटे में 1873 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इस तरह बिहार में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है 22,832। रिकवरी रेट बिहार का 68.13 का है। वहीं अगर एक्टिव केसों की बात करें पूरे बिहार में तो वो है 10,457 जो पूरे बिहार में अभी एक्टिव केस हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में जो जांच हुए हैं उसकी संख्या है 10,456। तो यह खबर एक अच्छी खबर है कि रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। जो रिकवरी रेट बिहार में एक समय 77% से गिरकर 62% पर चला गया था, वो फिर से 68% के आसपास पहुंचा है। रिकॉर्ड मामले मिले हैं तो रिकॉर्ड रिकवरी भी पिछले 24 घंटे में दर्ज हुई है। एक नज़र डालते हैं सभी जिलों के कुल पॉजिटिव मामलों पर और एक्टिव केसों पर, किस जिले में कितने एक्टिव केस हैं। अररिया कुल पॉजिटिव केस 314, डिस्चार्ज 215, एक्टिव 97। अरवल कुल पॉजिटिव केस 359, डिस्चार्ज 215, एक्टिव केस 142। औरंगाबाद कुल पॉजिटिव केस 531, डिस्चार्ज 364, एक्टिव केस 165। बांका कुल पॉजिटिव केस 422, डिस्चार्ज 348, एक्टिव केस 73। बेगूसराय कुल पॉजिटिव केस 1221, डिस्चार्ज 1056, एक्टिव केस 157। भागलपुर कुल पॉजिटिव केस 2023, डिस्चार्ज 1322, एक्टिव केस 682। भोजपुर कुल पॉजिटिव केस 870, डिस्चार्ज 521, एक्टिव केस 342। बक्सर कुल पॉजिटिव केस 591, डिस्चार्ज 375, एक्टिव केस 215। दरभंगा कुल पॉजिटिव केस 589, डिस्चार्ज 441, एक्टिव केस 138। गया कुल पॉजिटिव केस 1336, डिस्चार्ज 624, एक्टिव केस 698। गोपालगंज कुल पॉजिटिव केस 678, डिस्चार्ज 528, एक्टिव केस 149। जमुई कुल पॉजिटिव केस 536, डिस्चार्ज 304, एक्टिव केस 231। जहानाबाद कुल पॉजिटिव केस 660, डिस्चार्ज 378, एक्टिव केस 278। कैमूर कुल पॉजिटिव केस 318, डिस्चार्ज 223, एक्टिव केस 42। कटिहार कुल पॉजिटिव केस 646, डिस्चार्ज 593, एक्टिव केस 50। खगड़िया कुल पॉजिटिव केस 806, डिस्चार्ज 628, एक्टिव केस 173। किशनगंज कुल पॉजिटिव केस 399, डिस्चार्ज 284, एक्टिव केस 112। लखीसराय कुल पॉजिटिव केस 574, डिस्चार्ज 404, एक्टिव केस 168। मधेपुरा कुल पॉजिटिव केस 472, डिस्चार्ज 311, एक्टिव केस 160। मधुबनी कुल पॉजिटिव केस 721, डिस्चार्ज 651, एक्टिव केस 68। मुंगेर कुल पॉजिटिव केस 867, डिस्चार्ज्ड 730, एक्टिव केस 132। मुजफ्फरपुर 1504 कुल पॉजिटिव केस, डिस्चार्ज 1213, एक्टिव केस 290। नालंदा कुल पॉजिटिव केस 1200, डिस्चार्ज 784, एक्टिव केस 407। नवादा कुल पॉजिटिव केस 1035, डिस्चार्ज 743, एक्टिव केस 288। पश्चिम चंपारण कुल पॉजिटिव केस 996, डिस्चार्ज 565, एक्टिव केस 425। पटना कुल पॉजिटिव केस 5,347, डिस्चार्ज 3,442, एक्टिव केस 1,869। पूर्वी चंपारण कुल पॉजिटिव केस 792, डिस्चार्ज 587, एक्टिव केस 196। पूर्णिया कुल पॉजिटिव केस 697, डिस्चार्ज 535, कुल एक्टिव केस 158। रोहतास कुल पॉजिटिव केस 1257, डिस्चार्ज 649,
एक्टिव केस 597, सहरसा कुल पॉजिटिव केस 435, डिस्चार्ज 342, एक्टिव केस 92, समस्तीपुर कुल पॉजिटिव केस 871, डिस्चार्ज 562, एक्टिव केस 302, सारण कुल पॉजिटिव केस 1008, डिस्चार्ज 597, एक्टिव केस 402, शेखपुरा कुल पॉजिटिव केस 385, डिस्चार्ज 239, एक्टिव केस 145, शिवहर कुल पॉजिटिव केस 205, डिस्चार्ज 135, एक्टिव केस 69, सीतामढ़ी कुल पॉजिटिव केस 354, डिस्चार्ज 229, एक्टिव केस 122, सिवान कुल पॉजिटिव केस 1204, डिस्चार्ज 726, एक्टिव केस 471, सुपौल कुल पॉजिटिव केस 541, डिस्चार्ज 425, एक्टिव केस 115, वैशाली कुल पॉजिटिव केस 737, डिस्चार्ज 494, एक्टिव केस 237। इस तरह कुल आंकड़े हैं पॉजिटिव मामलों के 33,511, जिसमें से डिस्चार्ज हो चुके हैं 22,832, 221 लोगों ने कोरोना से बिहार में अभी तक अपनी जान गंवाई है और 10,457 मामले अभी भी पूरे बिहार में एक्टिव हैं। बिहार में कोरोना कितना भयावह रूप लेते जा रहा है उसका उदाहरण आप राजधानी पटना के आंकड़ों से लगा सकते हैं, जहां आंकड़े 5300 को पार कर चुके हैं। आज 24 जुलाई को केवल पटना में 561 नए मामले पिछले 24 घंटे में मिले हैं, जबकि सारण की भी स्थिति अब पहले की तुलना में खराब होती जा रही है, वहां भी 121 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों की भी स्थिति खराब है। अररिया से जरूर पिछले 24 घंटे में कोई मामला सामने नहीं आया है, तो सतर्कता बरतें, खुद सुरक्षित रहें और बिहार को सुरक्षित बनाने में अहम योगदान जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।